पति कैसा भी हो, नारी के लिए पति कौन बताओ, आपका पति आपके लिए कौन? जोर से मानते हो कि नहीं? पति को भगवान मानो। अच्छा, गलती कुछ स्त्रियों की भी है तो कुछ पुरुषों की भी है। आप अपने पति को भगवान मान के खूब प्यार करो तो दूसरे की तरफ जाएगा ही नहीं। आप प्यार कम करती हो तो उसे लगता है यहां से प्यार कम मिल रहा है, वो साइड से प्यार लेना चाहता पड़ोसन का। इसलिए आप खूब प्यार किया करो अपने पति परमेश्वर को, प्यार में कमी ना हो वरना। और पुरुष को चाहिए कि आप अपनी नारी का आदर करें, सम्मान करें। जो पुरुष नारी का सम्मान करता है, इज्जत करता है, उसके घर में सदा लक्ष्मी और अन्नपूर्णा माँ की कृपा बनी रहती है। इसलिए पुरुष को चाहिए नारी का सम्मान करें और नारी को चाहिए पुरुष का आदर। आज समाज में रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? तलाक हो जाता है, शादी हो तो गई है, टिकी ही नहीं, चली ही नहीं, महीने भर में साल भर में तलाक, लड़का अलग लड़की अलग। अच्छा बताओ, आज के समाज में, आज के समय में सबसे ज्यादा तलाक होते हैं। उस तलाक के जितने भी केस हैं सब पर आप स्टडी कर लीजिए, सब पर रिसर्च कर लीजिए, बताइए कि उस तलाक में सबसे ज्यादा गलती किसकी है। मैं ऑप्शन रखता हूं, जब जब तलाक होता है किसी भी लड़की का, तो बताओ गलती कह पहली किसकी होती है। ऑप्शन सुनो, तलाक में गलती किसकी, पति की, पत्नी की, लड़की की मां की, या लड़के की मां की? ऑप्शन चार, बताओ किसकी गलती से तलाक होता है। कुछ परसेंट कुछ केस में पुरुष की गलती होती है, कुछ केस में स्त्री की गलती होती है, कुछ केस में लड़के की मां, लड़के की मां, सास ससुर जेठ जेठानी की गलती होती है। पर बहुत ज्यादा मात्रा में ये केस आते हैं जहां लड़की की मां के कारण बेटी का घर टूट जाता है। शादी के बाद भी दिन भर मोबाइल पे ही बात करती है, दिन भर पंचायत, क्या खा लिया, क्या बना लिया, कहां गई थी, क्या हुआ आज। अभी प्रश्नोत्तरी में अभी यहां एक मां हमसे पूछ रही थी कल या परसों, बोले महाराज हमारी बेटी है, उस बेटी ने, हमारी बेटी ही है, कोई है नहीं बेटा, तो बेटी को हमने घर बुलाया तो हमारे घर के ऊपर बेटी ने अपना घर बना लिया और अब हमसे कहती है निकल जाओ। हमने कहा शादी के बाद बेटी को ससुराल क्यों नहीं रहने दिया, क्यों बुला लिया, घर के ऊपर घर बना के बेटी बैठ गई तो मां को कहती है निकल, यही की बात। तो देखो समाज में गलती किसी की भी हो पर रिश्ता तो टूट ही गया ना, कोशिश ये करना चाहिए कि पति पत्नी का रिश्ता ना टूटे। यदि लड़की कुछ गलती करे तो माँ को समझाना चाहिए, बेटा सबके घर में लड़ाई होती है, छोटी मोटी लड़ाई के चक्कर में माँ बुला लेती है बेटी को, तू घर आ जा मैं देख लूंगी दामाद जी को। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए वरना रिश्तों में खटास आ जाती है। रिश्ते प्रेम से चलें बहुत अच्छा है, रिश्तों में दरार ना हो, खटास ना हो, प्रेम मोहब्बत से। देखो पति पत्नी का जब झगड़ा हो तो मेरी समझ कहती है पति पत्नी के झगड़े में किसी तीसरे को बोलना ही नहीं चाहिए, जो बोलेगा वह मूर्ख कहलाया जाएगा। वो दोनों लड़के झगड़ के कल एक हो जाएंगे, आप बोलेंगे तो सदा के लिए दुश्मन आप हो जाएंगे, आपको कहेंगे तुमने ऐसा कह दिया था, इसलिए उन्हें लड़ने दो, कल एक हो जाएंगे। आप समझाओ दोनों का पक्ष लेकर, लड़कों को भी कहो, लड़की को भी कहो, तुम भी गलत हो, तुम भी, दोनों चलो प्रेम से रहो,
लड़की की माँ भी दोनों को गलत माने या दोनों को सही माने, आपने एक का पक्ष लिया तो उसके लिए तो सदा के लिए अच्छी हो गई, पर दूसरे के सदा दुश्मन हो गई आप। इसलिए प्यार, गृहस्थी चलाने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? ऑप्शन चार, फटाफट बोलना, गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? फिर से प्रश्न, ये प्रश्न 15 करोड़ रुपए के लिए है। यदि आपने सही उत्तर दिया तो आप 15 करोड़ रुपए जीत जाएंगे। 15 करोड़ का ज्ञान, पैसा नहीं, कैसे नहीं मिलेगा, 15 करोड़ का ज्ञान आपके मस्तिष्क में आ जाएगा। तो तैयार हैं? गृहस्थी चलाने के लिए क्या जरूरी है? पहला, समझदारी। दूसरा, प्रेम। तीसरा, पैसा। चौथा, सहनशीलता। बताओ, गृहस्थी चलाने के लिए चार में क्या जरूरी है? चौथी, पहली क्या थी? पहला ऑप्शन क्या था? समझदारी। दूसरा क्या था? प्रेम। तीसरा, पैसा। चौथा, क्या चाहिए समझ गृहस्थी चलाने के लिए? मैया बताओ, सहनशीलता। पहले की कथा में सुन रखा था। सही उत्तर है आपका 15 करोड़ रुपए का ज्ञान आपके खाते पे। बस ये ज्ञान बनाए रखना, बहना जाए। बिल्कुल सही उत्तर है, गृहस्थी चलाने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? अरे, समझदारी तो आ ही जाएगी, प्यार हो ही जाएगा, पैसा आ ही जाएगा, पर सहनशीलता आएगी। सहोगे तो रहोगे, और रहोगे तो प्यार होगा, रहोगे तो प्यार भी होगा, समझदारी भी होगी, पैसा भी होगा। रहोगे नहीं तो समझदार कैसे और प्यार कैसा? इसलिए गृहस्थी चलाने में सबसे ज्यादा यदि किसी की जरूरत है तो सहनशीलता की। इसलिए आज के रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि सहनशीलता किसी के अंदर नहीं है। पति ने कुछ कहा, पत्नी को बुरा लग गया, पत्नी ने कुछ कहा, पति को बुरा लग गया। अरे भाई, बुरा मानो मत, सबके साथ होता है ऐसा, सबको सुन के चलना पड़ेगा। मंदिर में मूर्तियां यदि छेनी और हथौड़े की चोट ना खाएं तो क्या वो मूर्ति भगवान कहलाएगी? हर भगवान को जो मंदिर में बैठे हैं, मूर्तियों को छेनी और हथौड़े की चोट से गुजरना पड़ता है कि नहीं? हाँ या ना? छेनी और हथौड़े की चोट खाकर भी भगवान स्माइल करते हैं, इसलिए तो वो भगवान कहलाते हैं, इसलिए तो भगवान है। मुंह पर हथौड़ी चलती है, होंठों पर हथौड़ी चलती है, फिर भी स्माइल, फिर भी मुस्कुराहट। और आप लोग देखो, शादी के बाद खुल के हंसे नहीं आप लोग, कब से नहीं हंसे मेरी माँ? अच्छा, आप जो खिलखिला के हंसते थे बचपन में, हंसते हंसते आंसू आ जाते थे, वैसा वाला कभी हंसे आप हंसे हैं शादी के बाद? भाई आप हंसे हैं? नीचे जो बैठे हैं आप दोनों बताओ, हंसे हो आप? आखिरी बार कब हंसे हो बताओ, बहुत समय हो गया। शादी के पहले ही हंसे थे? शादी के बाद नहीं हंस पाए? आपका शादी हो गई आपकी? तभी नहीं, इसलिए हंस रहे हो। अच्छा देखो, ये जो खिलखिलाहट है ना आपकी, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सबके होंठों पे सदा ये मुस्कुराहट बनी रहे। और मुस्कुराया करो मेरी माँ, शादी के पहले भी मुस्कुराओ, हंसो शादी के बाद भी हंसो। गृहस्थी का नाम प्रसन्नता है,
लेकिन आजकल आदमी से गृहस्थी की गाड़ी चलानी नहीं आती और शादी करके बैठ जाता है, एक्सीडेंट करके बैठा रहता मुंह फुलाए। अरे पहले सीख लो कि गृहस्थी चलती कैसे है, फिर शादी कर लेना। आजकल का आदमी पहले शादी कर लेता और चलाना आता नहीं है। बताओ गृहस्थी कैसे चलती है, अभी बताया ना 15 करोड़ का उत्तर। गृहस्थी कैसे चलती है, तो अपनी बेटियों को सहन, पहले की माँ जब बेटी की विदाई होती थी ना, तो माँ ये पढ़ाकर भेजती थी, बेटा आज से तेरा पति भगवान, तेरी माँ सास, तेरा पिता ससुर, और दो बातें हो जाएं तो रोने की और किसी से शिकायत करने की जरूरत नहीं, सह लेना बेटा, दो बातें तो सहनी पड़ती हैं तब गृहस्थी चलती है। पहले की माँ ऐसे समझा कर भेजती थी, और आज की माँ बोलती है तेरे पति तेरी सास कुछ कहे बताना, इतना दहेज दिया है, गुंडे भिजवाऊंगी मैं, यदि 3-5 करे तो बताना। तो आज की माँ ये पढ़ाकर भेजती है, कुछ हो तो बताना, हम गुंडे भिजवाएंगे, तैयार रखती है गुंडे 4-5। मैया हो गया व्हाट्सएप, क्या सास को सर्च कर रही हो? सुनो मेरी माँ, तो गृहस्थी चलाने के लिए सबसे बढ़िया फॉर्मूला कौन सा है? सहन, सहन। जो सहेगा वो रहेगा, नहीं सहेगा। गृहस्थी सहनशीलता से चलती थी, चलती है, चलेगी, चाहे जमाना कितना भी एडवांस हो, मॉडल हो, सदी कोई भी हो, पर ये जो सहनशीलता है हर सदी में उपयोगी, हर सदी के लिए उपयोगी है, हाँ या ना? इसलिए आप में से कितने लोग सहनशील बनेंगे या ऑलरेडी थे, आगे भी रहेंगे, हाथ उठा के। हाथ उठा लो, सहनशील रहोगे आप, सहते हो भैया? नहीं, थोड़ा सहा करो। गृहस्थी चलेगी किससे? सहने से। मैया देखो जरा, वो चल रहा व्हाट्सएप, ठीक है मेरी माँ, प्यार से रहिएगा। कहा सुनी सबके घर में होती है, पर संत लोग कहते हैं अपने अपने घरन का, अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब बाट ना ले कोई। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, अपने घर का दुख किसी से ना कहा करो। ये दुनिया आपके घर का दुख रो रो के सुनती है, और आपके जाने पर हंस हंस के ये लोग बताते हैं, इसलिए अपने घर का दुख किसी से ना कहा करो। ये दुनिया आपका मजाक बनाएंगे, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप दुखी हैं कि सुखी हैं, आप बस सुखी रहिए और आप अपने आनंद में रहिए, मस्त रहिए। रिश्तों को समझिएगा, रिश्ते जरूरी हैं। रिश्ते, पुरुष को चाहिए कि आप नारी का सम्मान करें, नारी को चाहिए आप पुरुष का सम्मान करें। कुछ पुरुष अपनी पत्नी को पांव की जूती समझते हैं, नारी पांव की जूती नहीं साहब, नारी सिर की पगड़ी होती है, जो आपके सम्मान को, आपके कुल परंपरा को आगे ले जाती है, बढ़ाती है, आपकी संतति आगे ले जाती है, संतान उत्पन्न करती है ना, पेट उसका है, 9 महीने वो रखती है, पर बच्चे को नाम पिता का मिलता है, मां का नहीं। नारी का त्याग कितना बड़ा है, पुरुष से बड़ा त्याग नारी का है, इसलिए नारियों का सम्मान पुरुषों को जरूर करना चाहिए। नारी है तो नर है, नारी नहीं तो नर नहीं। एक बार ट्रेन में कुछ लड़के बैठे थे, खेल रहे थे, एक लड़के को चोट लग गई वहाँ ट्रेन में,
उधम कर रहे थे, शरारत कर रहे थे। एक बच्चे को जोर से ट्रेन का वो लोहा था वो लग गया, यहाँ खून निकलने लगा, ब्लड निकलने लगा। तब माँ बैठी थी सामने वाली सीट में, उस माँ ने अपना साड़ी का पल्लू फाड़ा और फाड़कर बच्चे के हाथ में लपेट दिया। उस बेटे ने कहा, माँ हम मर्द हैं पर मर्द को दर्द नहीं होता। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम मर्द हो, तुम्हें दर्द नहीं होता, पर तुम मर्दों को पैदा करने में हम माताओं को बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। इसलिए मर्द वो नहीं है जो नारी का सम्मान ना करे, मर्द वही है जो नारी के दर्द को समझे, नारी की पीड़ा को समझे। हमारे लिए हमारी माँ ने पेट फड़वाया, हमारे लिए इतना कष्ट सहा। आज तक चाहे वेद हो, पुराण हो या भगवान, वह भी माँ के ऋण से उऋण ना हो सके। एक माँ का ही कर्जा है जिस कर्जे को आज तक कोई चुका ना पाया और ना कभी चुका पाएगा।